हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह राजावत आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया जिसके माध्यम से बताऊंगा आप लोग ज्योग्राफी एंड फर्स्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकते हैं। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को शेयर तथा लाइक ज़रूर करें। ये 20 जून 2000 एग्जाम हुआ था ज्योग्राफी का और फर्स्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन मुझे लगे डाउटफुल हैं जिन पर चैलेंज किया जा सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ ये कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर की बात करें तो देखिए पहले मैं बताऊंगा कि आप लोग चैलेंज कैसे करते, कब तक किया जा सकता है और कितने बजे तक। देखिए द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ अपलोडेड आंसर की, इस तो अपलोड कर दी गई थी। देखिए ये केवल मैं बताऊंगा कि क्या बजे तक। देखिए 1/7/2019 से 3/7/2019 11:50 तक, शाम के 11:50 तक आप कर सकते हैं। और ये आप चैलेंज करने में प्रत्येक क्वेश्चन 1000 आपको देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। चलिए बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए ये चक्रवर्ती व्याज तथा साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, तो इसमें आप लोगों को किस किस धनराशि का वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 की धनराशि है तथा यह 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो आप लोगों को मूलधन का पूछा गया है, साधारण ब्याज का लगा है मूलधन। तो आप लोग जानते होंगे साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है। तो साधारण ब्याज बराबर आपका बराबर हो जाता है, देखिए समय टाइम इंटू आर मतलब रेट इंटू आपका मूलधन, जितना भी होता है मूलधन। तो आप लोगों के लिए ये मूलधन बटे 100। अगर यहाँ पर हम 2000 रखकर अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन जितने भी ऑप्शन हैं तो वो ऑप्शन ठीक नहीं बैठेंगे। तो मुझे लगता है कि ये डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने आंसर की ये दिए। इस पर भी रख कर देखा, ऑप्शन पर भी रख कर देखा तो नहीं निकला। तो मुझे लगता है आप लोग एक बार और चेक कर लीजिएगा किसी भी, तो आप लोगों को पता चल जाएगी ये सही है गलत है। तो मुझे तो लगता है कि ये गलत ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तो इस पर चैलेंज किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर से संबंधित है, सेकंड पेपर से, देखिए आप लोगों को पता होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो हमेशा पहले छोटा आता है, फिर उससे बड़ा आता है, फिर उससे बड़ा आता है, फिर आपका और उससे बड़ा आता है, फिर और उससे बड़ा, इस तरह से। देखिए ये इंक्रीजिंग तो हो रहा है, ये इससे इंक्रीजिंग, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिक्रीजिंग दे दिया है। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग हो रहा है। और हम इससे उल्टा चलेंगे तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि इंक्रीजिंग में होता है पहले सबसे छोटा आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अगर हम करें कि शहरीकरण में, तो शहरीकरण सबसे कम किस में है इन सब में से, तो पंजाब में सबसे पहले पंजाब आएगा, बी ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद किस में आपका, उसके बाद आपका है किस में, ए आएगा केरल में। फिर आपका क्या आएगा, फिर आएगा मिजोरम आएगा, फिर आपका क्या आएगा गोवा, सबसे लास्ट में गोवा आएगा। तो बी ए डी सी, देखिए बी ए डी सी किस में, बी ए डी सी केवल एक नंबर में है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सी ऑप्शन उठाया है, सी ऑप्शन सी डी ए बी, जो कि गलत है। क्योंकि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे हैं, बढ़ते क्रम में, बढ़ते स्तर के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते पहले सबसे छोटा है, जो जहाँ नगरीय जनसंख्या कम होगी, फिर उससे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या होगी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, लेकिन इन लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऑप्शन टू ना होकर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा पी एच डी सी। तो आप इस पर चैलेंज कर सकते हैं। चलिए देखिए ये सेफर वाला, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, और हम बात करें इसकी तो कॉमन क्वेश्चन में जाएगा। देखिए हम सेफर की बात करें तो कौन सा था, सेफर का था अपवाद मूलक सिद्धांत, एक्सेप्शनलिज्म, और आपका ओएच स्पेक्ट था प्रायिकतावाद। अगर हमको ये दोनों मिल जाते हैं, ओएच स्पेक्ट और अपवाद मूलक, देखिए ए का अगर 3 की बात करें, देखिए ए का 3 केवल 4 में है, लेकिन हम अगर इसकी ओएच स्पेक्ट की बात करें तो ये केवल सी का 4, सी का 4 केवल 1 में है, तो ए का 4, लेकिन इसमें अगर 3 होता तो सही होता, तो ये कॉमन क्वेश्चन चला जाएगा, या तो ये या तो ये, तो ये कॉमन क्वेश्चन में चला जाएगा। इससे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा इसके सारे, तो बहुत सी पुस्तकों में, माजिद हुसैन में भी ये सेफर दिया हुआ, आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे अपवाद मूलक सिद्धांत के बारे में तो आपको सेफर ही नज़र आएगा, और कोई आपका गिडन वगैरह कोई भी नहीं आएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए, कॉमन क्वेश्चन, सभी को इसके नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही चारों में से कोई एक नहीं मिल रहा। अगर हम 2 मिलाएंगे तो हमारा ए नहीं मिलेगा, और हम 4 मिलाएंगे तो हमारा सी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन में बैठ ही नहीं रहा किसी में से, तो ये कॉमन क्वेश्चन मिल सकता है अगर आप चैलेंज करेंगे तो।
और आप ध्यान से एक बार जरूर माजिद हुसैन की बुक मैंने देखी तो उसमें तो बिल्कुल मिला नहीं, लेकिन ये जनसंख्या वाला तो आप लोग कहीं से भी प्रोवाइड कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर हिसाब किस हिसाब से उन्होंने दे दिया तो ये पता नहीं। ये तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो सही हो सकते हैं आप लोगों के। तो आप लोगों के इस तरह से मैंने बताया कि आप लोग एक बार ब्याज वाला और निकाल लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की निकालने की, लेकिन इनमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आया। तो आप लोगों को अगर ये दो नंबर दे रखा तो दो नंबर ऑप्शन से भी निकालोगे तो आपका आंसर नहीं आ सकता। तो एक बार ज़रूर एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो और ये वाले तो बिल्कुल गलत ही गलत ऑप्शन आंसर की दी हुई है। तो चलिए आप लोगों को, यदि और लोग देखिए, अगर एक लोग नहीं कर सकता तो आप लोग ग्रुप में इतने लोग हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आप 10 लोग 100 रुपये देंगे तब भी आपके हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कंट्रीब्यूट करके भी आपको आंसर की इसका चैलेंज कर सकते हैं। तो देखिए आज तीन तारीख हो गई, 3 तारीख 11:50 PM, केवल रात 11:50 PM तक ही आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको लगता है अगर चैलेंज किया जा सकता है कि हम चैलेंज कर सकते हैं तो उस हिसाब से चैलेंज कर सकते हैं। तो ये ज़रूर माजिद हुसैन की जो भी मैं बता रहा हूँ आपको लगता है कि सर गलत बता रहे हैं तो उस हिसाब से आप ज़रूर माजिद हुसैन की बुक दोनों में देख लीजिएगा। और किसी की भी आप देखिए, आप क्या नाम उसकी माजिद हुसैन या आरसी चंदाना में जनसंख्या 2011 के जन आंकड़े उठाएंगे तो उस हिसाब से वो भी क्वेश्चन आप लोगों को पता चल जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता तो सही था, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ना होकर 1 होगा। चलिए इस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन सी आंसर की चैलेंज किया जा सकती है। तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।